कैसे रहा महाराज आपका परिचय? मैं मेरा परिचय सुखना दास, अपना शुभ नाम, और मेरा ज्ञान की अस्सी घाट है वाराणसी से बिलोंग करता हूँ, और धर्म प्रचार के लिए हमेशा जो है देश को भ्रमण करते रहता हूँ। ये आप संत सुरक्षा मिशन के लिए कार्य कर रहे हैं जी, तो मैं पूछना चाहूँगी संत सुरक्षा मिशन है क्या? संत सुरक्षा मिशन ये आज कोई पहली बार कार्य नहीं किया जा रहा है। इस कार्य को करने के लिए स्वयं अनादिकाल से हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो सच्चिदानंद घन है उनका भी अवतरित होता है, और वो भी अवतार इसी बात को लेकर के होते हैं कि विप्र देन सुख संत इताली मनोज अवतार निज इच्छा निर्मित तम माया गुण गोपाल। जो परमात्मा निर्विकार है, निर्गुणातीत है, निरंकार है, अजन्मा है, उस परमात्मा को भी संतों की रक्षा के लिए इस धरती पर मानव शरीर के रूप में आना पड़ता है, और आकर के संतों की रक्षा करके वो अपने धराधाम को जाते हैं। तो जो कार्य स्वयं भगवान ने किया है, तो जो कार्य भगवान कर लेते हैं तो वो हमारे मानवों के लिए ये अनुसरण करने के लायक होता है। तो हमें जो परमात्मा ने किया है उसे आदर पूर्वक करना चाहिए। जैसा कि आपने कहा है कि संतों की सुरक्षा स्वयं भगवान करते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि संत सुरक्षा मिशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? संत तो एक उस श्रेणी में आते हैं जो कि मोह माया सब कुछ त्याग कर संसार में अलग ही एक जीवन जीते हैं, तो संत सुरक्षा मिशन की आवश्यकता क्यों पड़ी संतों को? संतों को आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि ये बात तो श्री राम जी को भी विचार करना पड़ा कि सभी राक्षसों ने मिल करके जब संतों को खा खा करके और हड्डियों की ढेर कर दी, और भगवान जब वन में गए और वहाँ पर जब देखा कि संतों की हड्डियों की ढेर लगी हुई है, तो प्रभु स्वयं ने पूछा कि ये क्या कारण है? तो बोले महाराज सभी राक्षसों ने ये संतों को खा खा करके हड्डियों को ढेर कर दिया। तो ये सुन करके भगवान के आँखों में करुणा छा गई और नेत्रों से जल और आंसुओं की धारा बहने लगी। तो जब भगवान ने देखा कि संतों के ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, जो सत्य होते हुए भी उसे असत्य साबित किया जाता है, तो इस तरह से जब आज भी हमारे समाज में इस प्रकार की दुष्विचार और आसुरी शक्तियाँ बढ़ती जा रही है, तो ज़रूरत तो पड़ना ही है। जब अनादि काल में आवश्यकता पड़ी, त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में ये आवश्यकता पड़ी, तो आज के युग में क्या आवश्यकता नहीं पड़ सकती है? संत सुरक्षा मिशन में क्या क्या विचार रखे गए हैं संतों के लिए, क्या क्या सुरक्षा के विचार दिए गए हैं? संतों के सुरक्षा के लिए जो विचार रखे गए वो सब उचित हैं, और वो सब ऐसा होना ही चाहिए। जो पूर्व में पहले जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था ही आज रखा गया है, वो आज कोई नया बना के नहीं रखा गया है। जिससे हमारे विश्वामित्र जी महाराज श्री दशरथ जी के यहाँ गए और कहे कि आप राज्य कर रहे हैं, भोग विलास में लिप्त हैं, लेकिन आपको संतों को चिंता नहीं, हम यज्ञ करते हैं, हमारा यज्ञ पूरा नहीं होता है, राक्षस लोग आते हैं, हमारे यज्ञ को विनष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से जब विश्वामित्र जी ने उनको जागरूक किया, राजा को जब जागरूक किया, तो दशरथ जी महाराज ने विचार किया क्या किया जाए। अंत में श्री वशिष्ठ जी से राय लिया, गुरुदेव से राय लिया, और गुरुदेव ने जब राय दिया कि नहीं विश्वामित्र जी उचित कह रहे हैं, तो स्वयं राम और लक्ष्मण को भेजा गया धर्म की रक्षा के लिए। संत सुरक्षा मिशन के लिए आपके साथ कितने संतों का सहयोग है? हाँ, संत की सुरक्षा की एक क्या, दो क्या, हजार क्या, जितने संत हैं वो सब खड़े हैं, उसमें कोई गिनती नहीं, अनगिनती है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी ये संत सुरक्षा मिशन पर कोई देख रेख करेंगी? क्या सरकार इस बात को मानेगी कि संतों को सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है? ये तो माननी ही पड़ेगी, अनादिकाल से मानते आए हैं, आज क्यों नहीं मानेंगे? जब अनादिकाल से माने हैं तो आज भी मानेंगे। अगर वो अपने परंपरा को तोड़े तो वो उनमें ये स्वयं उनका निजी विचार है, और ये परंपराओं को अगर देखें तो जो परंपरा के राजाओं ने किया है अनादिकाल से वो उनको करना चाहिए, यही उनका धर्म है, यही उनकी साधुता है, यही उनका व्यक्तित्व है, यही उनकी मानवता है। जय श्री राम। जय श्री राम।